क्वेश्चन 14 जुलाई 1789 का टाइम पीरियड था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ फ्रांस के अंदर जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया जिसके कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे होल वर्ल्ड ने अपना अपना कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के पाथ पे चलना स्टार्ट किया। जिस टाइम 14 जुलाई 1789 को ये इंसिडेंट हुआ, बट इस चीज के लिए जिसने इंस्पिरेशन दी, जो कोई उनको इंस्पायर कर रहा था, उनका नाम था कि तीन थिंकर्स को हम क्रेडिट देते हैं जिन्होंने काम किया। इनमें से सबसे पहले अगर हम क्रेडिट दें, फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किसी को बोला गया है तो वो आपका बोला गया है, रूसो को। जीन जैकब रूसो जो थे आपके फिलोसफर थे, फिलोसफर ने जिनका बर्थ जिनेवा में हुआ था और उन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो थीम थी आइडिया से उस थीम पे फ्रेंच के लोग इंस्पिरेशन ली और आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा काम उन लोगों ने कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसने आपके पूरे वर्ल्ड को इक्वालिटी और फ्रीडम का मैसेज दिया, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड ने इक्वालिटी और फ्रीडम गेन करना स्टार्ट किया। दिन था 14 जुलाई 1789 का जब फीमेल अटैक करती है, किस पे अटैक कर दिया, जेल ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल एक जेल थी जो किसका सिंबल थी, फोर्ट ऑफ डिस्पॉटिक किंग। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके थे, लुईस 14 के टाइम से फोर्ट था और इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया था किसमें, जेल के अंदर। पेरिस की एक जेल थी और आप इनोसेंट जो लोग थे उनके लिए सॉर्ट्स ऑफ वेपन था। जिस टाइम वो इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद 7 प्रिजनर्स को रिलीज करवाया, प्लस उन्होंने जेलर का मर्डर किया, इस चीज से आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, कहीं पर भी होते हैं, तो उसके पीछे कोई कॉजेज होते हैं, एक दिन का काम नहीं होता। ऐसे ही हम इन कॉजेज को क्लासीफाई किया, तो क्लासीफाई करने के बाद अपने पास आया सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका, यानी पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, क्या उनका सोशल स्ट्रक्चर यानी सोशल कॉजेज क्या थे, थर्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक लेवल पे वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, एनलाइटमेंट पीरियड यानी रोल ऑफ थिंकर्स क्या था, आपके फिलोसफर्स ने उनके लिए कैसे काम करना स्टार्ट किया, वो इमीडिएट कॉजेज जो एकदम से इंसिडेंट हुआ, अटैक ऑफ बेस्टाइल जेल, ये सब कुछ हुआ। अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, पॉलिटिकल कॉज की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वहां पर क्या था, डिस्पॉटिक मोनार्क था। डिस्पॉटिक मोनार्क यानी ऑटोक्रेटिक मोनार्क था जो अपनी सारी पावर्स को खुद के पास रखता था। साथ में वहां पर आप लोगों ने देखा कि डायनेस्टिक सक्सेशन था। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या है, डायनेस्टी रूल था और जो रूल करने वाली डायनेस्टी थी वो बोर्बन डायनेस्टी थी। बोर्बन बिस्किट से इसको याद रख लेना, बोर्बन डायनेस्टी थी, तेरी वजह से मेरे को दुख है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वॉर, अब क्या था कि जो रूलर्स थे, रूलर्स की ब्रेवरी को कब आप लोग कैलकुलेट करते हो, जितना ज्यादा वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करता है, जितना अपना एरिया एक्सपेंड करेगा। अब एरिया एक्सपेंड कैसे करेगा, जब वो किसी न किसी कंट्री पे इन्वेड करता है, अटैक करता है, उसके बाद उसका एरिया एक्सपेंड होता है, तो वो क्या है, पूरा का पूरा वॉर्स को सेंट्रलाइज करके रखते थे, मतलब कि वॉर से रिलेटेड रहते थे, वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। देन आपकी बात करते हैं सोशल कॉजेज, पूरा फ्रांस जो था वो आपका स्टेट सिस्टम में, लाइक अपनी कंट्री का अगर हम लोग सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी है, प्लस साथ में रिलीजन सिस्टम भी, हम दो तरीके से फॉलो करते हैं। उनका जो पूरा सिस्टम था वो था स्टेट सिस्टम, टोटल 3 स्टेट थे उन लोगों के पास, जिसमें सबसे पहले था फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी, क्लर्जी मीन प्रेस्ट लोग, प्रेस्ट मतलब कि चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो थे। अगर इनकी पॉपुलेशन की आप बात करते हो, 1 लाख उस टाइम में 1789 के टाइम में इनकी पॉपुलेशन 1 लाख थी। सेकेंड नंबर पे सेकेंड जो स्टेट थी वो थी आपकी नोबेल्टी यानी नोबेल क्लास या रॉयल लोग, मतलब क्या था कि जो आपके किंग हो गए, किंग के फैमिली मेंबर, किंग के मिनिस्टर, किंग के रिलेटिव्स, उनकी बात की, इनकी पॉपुलेशन 4 लाख थी। अगर आप बात करते हैं थर्ड स्टेट अगेन 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट आपके थे वेल्दी पीपल यानी बिजनेसमैन लोग जो थे, सेकेंड आपके एजुकेटेड जो आपके लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, प्रोफेसर्स ये लोग थे, एंड थर्ड आपके पास पीजेंट्स एंड आर्टिशियन लोग थे। टोटल पॉपुलेशन होगी 27 लाख के अराउंड थी, अप्रोक्स थी। देन अब आप लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, एस्पॉटिक डिस्पॉटिक मोनार्क था, ऑटोक्रेटिक लोग थे, और सोशल स्ट्रक्चर में 3 स्टेट थी, तो सभी जगह पे ऐसा होता है, तो इनके यहाँ पर क्या नया था, नया ये चीज़ थी
क्या थी उन लोगों के पास या इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे। सबसे पहली बात तो जितने टैक्सेस थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को पे नहीं करने पड़ते थे, थर्ड स्टेट पे करते, पहली बात। दूसरे नंबर पे लुईस 14 एंड लुईस 15 जो थे आपके वॉर्स में इन्वॉल्व थे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि पूरे फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी थी, टोटली एम्प्टी थी, खत्म हो चुकी थी। इसकी वजह से उन लोगों पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उन्होंने फिर से टैक्स इंक्रीज करने की बात की। देन फिर क्या था, लुईस 16 ने आपकी हेल्प की, 13 आपकी अमेरिकन कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। अब यहाँ बात आती है अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करने की नीड क्या थी। जिस तरीके से इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन की, ऐसे ही अमेरिका के अंदर फ्रेंच अमेरिकन कंपनी गई थी, फ्रेंच कंपनी गई थी और उन लोगों ने रूल करे थे। वहाँ पर ब्रिटिश लोग भी थे, स्पेनिश लोग भी थे। अब जो फ्रेंच की 13 कंपनीज कॉलोनीज जो थी, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट पे अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनको ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, यानी पूरा कंट्रोल अमेरिका की उन जगहों का, 13 कॉलोनीज का, आपके पूरे फ्रेंच लोगों को चाहिए था, फ्रेंच की कंपनीज को चाहिए था। इसीलिए लुईस 16 ने उनकी 10 बिलियन लिवरे डेब्ट पे लेके हेल्प की थी इंडिपेंडेंस गेन करने के। फिर हम बात करते हैं लग्जरियस लाइफ ऑफ पैलेस ऑफ वर्साय। जो लुईस 16 था, जहाँ पर लुईस 16 रहता था उस पैलेस का नाम था पैलेस ऑफ वर्साय, जो पेरिस से कुछ डिस्टेंस पे था, अच्छी जगह थी, वर्साय नाम की जगह पे था, बहुत लग्जरियस पैलेस था, बहुत सुंदर पैलेस था। तो उसकी भी लाइफ जो थी, जो इफेक्ट कर रही थी उनके खर्चों में, मोर डेब्ट, हाई डेट, इंटरेस्ट। अब अपनी वाइफ जो थी उसकी मैरी अनकाउंट थे, उसके खर्चे भी उसको कंप्लीट करने थे, एम्प्टी ऑलरेडी ट्रेजरी जो थी उनकी एम्प्टी थी। अब उसके खर्चों के लिए भी क्या करता था, डेब्ट लेता था, डेब्ट लेता गया तो हाई इंटरेस्ट पे लेता गया। धीरे धीरे सारा मनी जो थी, सारी इकोनॉमिक क्राइसिस होते आ गई। बात करते हैं टैक्सेस की, तो टू टाइप के टैक्सेस थे, पीथे और टेले। पीथे टैक्स आप किसको पे करते थे, चर्च को पे करते थे। चर्च आपके 1/10 आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसको इम्पोज करता था, एक रिलीजियस टैक्स था, यानी आपको चर्च को देना ही पड़ेगा। टेले टैक्स जो था डायरेक्ट टैक्स था, लुईस 16 को आप देते थे, गवर्नमेंट को देते थे। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स था जो आपकी डेली यूज की कमोडिटी पे लगता था, जैसे सॉल्ट और टबैको। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी 3 कंट्री ऐसी है जहाँ पर कोई सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इस चीज़ का क्रेडिट किसको जाता है, गांधी जी को, जो उन्होंने दांडी मार्च की थी। नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सॉल्ट पर टैक्स लगता है, इंडिया में नहीं लगता। इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अब आप बोलोगे अन्नपूर्णा, टाटा नमक, ये पे करके लेते हो, वो आपकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनकी, उनको आप पे करते हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं सबके पीछे देखना, टैक्सेस आर इंक्लूडेड, बट उसके ऊपर नहीं लिखा होगा। कोई भी नमक का पैकेट होगा उसके ऊपर ऐसा मेंशन नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट मार्च किया था, याद होगा दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, उसकी वजह से हम लोगों के पास गांधी था, इनके पास गांधी नहीं था, तो टैक्स इनको पे करना पड़ता है, आज भी ये लोग पे करते हैं। इन सारी चीज़ों से हम लोगों ने देख लिया इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थी, कैसे उनको डिस्पॉटिक होना आपको झेलना पड़ता था, सोशल कॉजेज क्या थे। इन सब के बाद अब हम करेंगे एनलाइटमेंट पीरियड क्या है, गोल ऑफ थिंकर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है 3 थिंकर्स की, जॉन लॉक की, रूसो की और आपके मिरकोन का, मॉन्टेस्क्यू की। अब उसके बारे में बात करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ तक जितना करवाया वो समझ आया। Yes, ma'am. चलिए तो आप आगे जो करेंगे हम लोग उसको किसको करेंगे, नेक्स्ट को।